वायनाड में लगातार मरने वालों की संख्या बढ़ रही है, 200 के पार पहुंच चुकी है ये संख्या और अभी भी न जाने कितने लोग मलबे में दबे हुए हैं। ये इस वक्त हम रिलीफ कैंप में पहुंचे हुए हैं जो कि मेपाड़ी में हाई स्कूल के अंदर इस रिलीफ कैंप को रखा गया है, जहां पर लोग जो है इस शेल्टर में जो यहां पर रह रहे हैं, जहां पर इनके खाने पीने की भी व्यवस्था की गई है। लेकिन जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा कि एक हफ्ते पहले केरल सरकार को अलर्ट भेज दिया गया था कि लैंडस्लाइड जो है वो हो सकता है इन इलाकों में, उसके बाद भले ही केरल की जो सरकार है वो लगातार ये कह रही है कि अलर्ट नहीं भेजा गया था और लोगों को भी बकायदा अलर्ट किया गया था, लेकिन यहाँ पर टाइम्स नाउ नव भारत की इन लोगों से जो बातचीत हुई है उनका ये कहना है कि लैंडस्लाइड के पहले किसी भी तरह का अलर्ट जो है वो इन्हें नहीं दिया गया और यही कारण है कि आज इन लोगों ने अपने आशियाने खो दिए और इस तरह से शेल्टर्स में आकर रहने को मजबूर है। काफी भावुक पल है इन लोगों के लिए क्योंकि एक घबराहट, एक डर जो इन्होंने अपने आंखों के सामने देखा था वो बयान करना मुश्किल है और यही कारण है कि अब यहाँ पर ये लोग पनाह लेकर रह रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि वायनाड में जो लैंडस्लाइड हुआ है उस पर अब आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो चुका है, लोगों ने अपनी जान गंवाई है, लेकिन आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो जरूर शुरू हो चुका है।